नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आप देख सकते हैं जौनपुर के विकास में कैसे पिकअप फंस गया है। सड़क का निर्माण इतनी घटिया तरीके से हुआ है कि सड़क धसने की खबरें आ रही हैं। मानो जौनपुर में सड़क धसो योजना चल रही हो। जय भारत न्यूज ने सड़क बनी सुरंग नामक हेडलाइन से प्रमुखता से खबरें दिखाई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। जौनपुर के कोतवाली क्षेत्र के किला रोड से मानिक चौक की ओर जाने वाली सड़क पर नमामि गंगे योजना के अंतर्गत हुए कार्य समाप्त होने के बाद गड्ढों को पाट कर सड़कें बनाई गई थी, परंतु कुछ ही दिनों में दोबारा सड़क धस गई, जिसके कारण आए दिन वाहन उसमें जा फंस रहे हैं। दो दिन पूर्व भी एक पिकअप भी गड्ढे का शिकार हो गई। फिर से इसी मार्ग पर सड़क धस कर एक और गड्ढा हो गया, जो किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। प्रशासन को तुरंत इस ओर ध्यान देकर सड़क का निर्माण करवाना चाहिए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि 2 महीने पहले सीवर निर्माण किया गया था, जिसके बाद पक्की सड़क बना दी गई थी। इस सड़क का इतना घटिया निर्माण हुआ है कि 2 महीने के अंदर ही धसना शुरू हो गई। आए दिन लोग इस गड्ढे में फंस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसकी सुध तक नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। क्या कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं जिम्मेदार लोग? फिलहाल शहरवासियों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। तमाम शहरवासी हैं, ये सवाल पूछने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, आखिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सड़क धस जाता है और कोई चाहे तो अचानक से रात में आए, गाड़ी लेके आए और गिर जाए और इसी में मर जाए, लेकिन शासन की ना तो इसकी चिंता है, ना तो प्रशासन की चिंता है। देख रहे हैं आप, पहले इतना बड़ा गड्ढा था, उसमें आके थोड़ी सी जाके गिट्टी डालनी है, उसके बाद गड्ढा तो गड्ढा हो गया पूरा, अंदर स्विमिंग पूल बन गया है, 2-4 आदमी टहर के भी चले जाए कहने का। पहली बात तो ठेकेदार का लाइसेंस नहीं रसो, उस पर FIR हो। मंत्री तो हैं, 10 साल से मंत्री जी हैं, इसी रोड से आते जाते हैं, क्या उनको नहीं देखते हैं? शहर विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको नहीं पता ये क्या है? सच्चाई आप दिखाते हैं, आप सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई पब्लिक बोलती है, आप उसको काट देते हैं, सच्चाई मीडिया दिखाती है। अगर जौनपुर का हाल बहुत बुरा है और पाकिस्तानी एजेंट ना बनाओ भाई साहब, जाए तो जो चल रहा चले दो। नमामि गंगे योजना के तहत सीवर पाइपलाइन डालने का काम तो चल रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी देखरेख कौन करेगा? ठेकेदार कितना काम किए, कितना काम छोड़ दिए, इसकी गुणवत्ता क्या होगी? पहले सड़क खोदी जाती है सीवर बिछाने के नाम पर, फिर बकायदा पैसा पास होता है सड़क को बनाने के लिए, लेकिन हालत क्या है? यहाँ के जो स्थानीय हैं वो बता रहे हैं कि सड़क हर 100 मीटर पे धस जा रही है और बनाने के बाद ही धस जा रही है, कि जब यहाँ पे पाइपलाइन डाली जाती है ये सड़क धस जाता है और कोई चाहे तो अचानक से रात में आए, गाड़ी लेके आए और गिर जाए और इसी में मर जाए, लेकिन शासन की ना तो इसकी चिंता है, ना तो प्रशासन की चिंता आता है। कहीं कहीं ओवर ब्रेकर बना दिया जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होता है। इसके लिए सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की कि ऐसे सड़कों को सही कराया जाए, लेकिन क्या यहाँ पे गर्भवती महिला आएगी? सोचिए किस तरह से जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं जौनपुर शहर की जब ये हालत है, सोचिए गांव और सुदूर में कोई योजना चल रही होगी उसकी क्या हालत होगी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ जो जिले की कार्य योजना है कैसे जिले के अधिकारी कार्यान्वित कर रहे हैं, एक बड़ा और अहम सवाल है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम शहरवासी हैं, ये सवाल पूछने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, आखिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हम इसमें गिर जाते हैं, हमें कुछ हो जाता है, हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, घर में माँ है, बाप है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? के क्या हाल है जौनपुर का? जौनपुर का हाल बहुत बुरा है। हाँ। और पाकिस्तानी एजेंट ना बनाओ भाई साहब, जाए तो जो चल रहा चले दो, चाहे जो चले, जो भी चले। काहे नहीं बोल रहे? काहे क्यों आपको कहेगा पाकिस्तानी एजेंट? अरे भैया बोलेंगे भैया पाकिस्तानी एजेंट हो जाएंगे। हाँ। तो फालतू बोल कर क्या फायदा? आवाज उठाएंगे तो लोग आपको पाकिस्तानी एजेंट कहेंगे। अरे सारी जगह पे आवाज उठ रही, यही हो रहा। हाँ। यही हो रहा, सारी जगह पे जो आवाज उठा रहा वो पाकिस्तानी एजेंट हो जा रहा। सरकार के विरोध में अगर कोई बोलेगा एजेंट हो जाएगा, तो भैया हाथ जोड़ते जा, जो हो रहा हो। सरकार के खिलाफ बोलना मना है? मना। क्या लगता है
कैसा हो रहा है जौनपुर में विकास? जौनपुर में जो भी विकास हो रहा है आपको भी दिख रहा है, आप पूरा शहर टहले होंगे, आप बताइए क्या हो रहा है। मीडिया सच्चाई दिखाती है, पहले ये आप बताइए, सच्चाई आप दिखाते हैं? आप सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई पब्लिक बोलती है, आप उसको काट देते हैं, सच्चाई मीडिया दिखाती। अगर नहीं मीडिया पहले यही मीडिया पहले, सुनिए आपको भी अधिकार है लड़ने का, आपको भी अधिकार है, या क्या अधिकार भी बोलने का? सरकार की क्या बुराई आपने देखा है पहले ये बताइए आप। सरकार ने आप तो विपक्ष को दिखा रहे हैं, आप तो सिर्फ विपक्ष को दिखा रहे हैं, सिर्फ आप विपक्ष की बुराई दिखाते हैं, सरकार की कमियां नहीं। इसके पहले था तो सरकार की लोग कमियां गिनाते थे, आज की डेट में मीडिया जो है सिर्फ सरकार की अच्छाइयां, मीडिया की बुराइयां दिखाते हैं। आप अगर दिखाए तो अभी सब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई आप चैनल का नाम बताइए। ऐसा तो है नहीं हर कोई, लड़ाई अकेले भी लड़ी जाती है। लड़ाई किसके बल पे लड़ी जाएगी? चौथा स्तंभ आप थे, आपके बल पे जनता लड़ती थी। जब आप ही नहीं दिखाएंगे जनता किसके जरिए लड़ेगी ये बताइए। जब आप ही सरकार की गाने लगे तो जनता किससे कहेगी? ये आपको नहीं दिख रहा या पूरा शहर? आपको अधिकार नहीं है ने बोलने को, आप दिखाएंगे सच्चाई? कितनी सर दिखाएं, कितने चैनल ने दिखाया सरकार? अभी आप ले जा रहे वो भी नहीं आएगा, ये भी आप सुन लीजिए। आप कहिए ना कि पहली बात तो ठेकेदार का लाइसेंस नहीं रसो, उस पर FIR हो। अभी पब्लिक अगर घायल होगी कौन जिम्मेदार होगा? सरकार देगी पैसा? आए दिन लोग गिर रहे हैं, पूरा शहर ध्वस्त है, सिर्फ यही एरिया नहीं है। तो DM या SP मंत्री तो हैं, 10 साल से मंत्री जी हैं, इसी रोड से आते जाते हैं, क्या उनको नहीं देखते हैं? शहर विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको नहीं पता ये क्या है? इसी रोड से आते जाते रास्ता लोग बदल दे रहे हैं, यहाँ से 100 मीटर पर पुलिस बूथ है, उनको नहीं दिख रहा है गाड़ियाँ रोक दी जाए, अभी क्या होगा? मंत्री है ना, शहर के एकलौते मंत्री है, क्या काम हुआ? यही काम दिख रहा है, देखिए विकास। आप गए थे मंत्री जी के पास, बोले थे मंत्री जी यहाँ शहर में आते, अभी 3 दिन पहले भी गए गट्टा देखते हुए, वोट लेने निकल गए। वोट लेने तो मंत्री जी आते हैं ना, तो विकास कार्य करने के लिए आप कहेंगे ना मंत्री जी से? आप मंत्री जी से बहुत से गए, तो मंत्री जी को नहीं दिख रहा है? वोट लेने के लिए जनता के पास आएंगे, इसके लिए मंत्री के पास जाएंगे, मंत्री को नहीं दिख रहा ये क्या विकास हो रहा है? मंत्री है ना, लाइसेंस निरस्त करा दे, ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त कर उनके FIR करें ना, पूरा शहर ध्वस्त हो गया है, भूकंप आ जाएगा, रोड के एक भी मकान नहीं बचेंगे, जो हिसाब से खोखला कर दिया करेंगे लिए शासन प्रशासन कोई नहीं करेगा, सब तो भ्रष्ट में लिप्त हैं, देखा करेगा कौन? आप क्या सोचते हैं भैया जौनपुर के विकास के बारे में? जौनपुर के बारे में देख रहे हैं ना, सारी चीज तो बताई गई, क्या देखते हैं, देख रहे हैं क्या क्या आ जाए इसमें, तो देख सकते हैं शहर के लोग किस तरह से नाराज हैं। आप भी नाराज हैं? बिल्कुल नाराज भैया, काहे नहीं नाराज आएंगे, हमारी दुकान के ठीक सामने का मामला है, देख रहे हैं आप, पहले इतना बड़ा गड्ढा था, उसमें आके थोड़ी सी जाके गिट्टी डालनी है, उसके बाद गड्ढा तो गड्ढड़ा हो गया पूरा, अंदर स्विमिंग पूल बन गया है, 2-4 आदमी टहर के भी चले जाए उसके अंदर, ये हाल हो गया। अभी परसों लड़कों एक लड़का गिर गया, हाथ पैर टूट गया उसका, बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? ये कुछ नहीं, इन लोग खाली उसमें आते हैं, इफेक्ट हो रहा है, खाली मट्टी डाल देते हैं उसमें, थोड़ी सी गिट्टी डालते हैं, फिर ओके वाल में थोड़ा सा लीप दें ओको, ओके बाद फिर 2 दिन के बाद दीजिए, फिर 4 दिन आके फोटो खींच के जाते हैं, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं करते इन लोग। यही सरल बस सड़किया जो बनी है ये अभी 2 महीना पहले बनाए हैं, पहले अच्छी खासी चौड़ी सड़क हुआ करती थी, उसको 20 एकदम पतली सी बना के चले गए, ऐसा लगे विकास हो गया है, ओके बाद वो टूट गई। अभी कब स्थल बनी है? 2.5 साल 3 साल 5 साल भूल जाओ को बने के लिए, अभी पहले गड्ढा तो हमारा सही करने आके, यही बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, विकास यही हम मान लेंगे, चलो हमारा गड्ढा तय करा दो। अगर गड्ढा हो गया तो समझिए विकास हो गया। अरे कर तो दो भैया, हम तो डेली झेलते हैं, एक झौवा मट्टी रोज निकलती है हमारी दुकान से, हैं कंप्यूटर खराब हो गया, हमारा प्रिंटर खराब हो जाता है, रोज 1400 रुपये हम लगाते हैं उसको बनाने के लिए, ये विकास बताएंगे? एक गाड़ी जाती है इतना गड्ढा उड़ के जाता है हमारी दुकान में, अब बताइए हम यही को विकास कहेंगे? विकास पुरुष तो बहुत हुए हैं जौनपुर, विकास पुरुष है भाई हैं भैया खाली, और कुछ ना भवा है, यहाँ विकास पुरुष है, विकास पुरुष है, एक को दिखाओ हमें, यहाँ है कहाँ विकास पुरुष, लेके आओ हम दिखावे उनको गड्ढा, वही में घुसा दें उनको पकड़ के, जा देखो कितना बड़ा विकास कीन है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा खोद के खाली आ जाते हैं, फोटो खींच के चले जा। इंजीनियर उस दिन आया था, हमने बताया तो वहाँ पे खोदा था, वहाँ पे खोदा हुआ इतना बड़ा गड्ढा निकला, अरे देखने के बाद तो उसको सही करते, देखने के बाद तो सही करते, मैंने बताया उसके बाद भी उसमें गिट्टी ठूस के चले गए, अब साला वो गड्ढा हो गया और बड़ा होगा, अब बताओ पहले यहाँ तक रहा, अब यहाँ तक आप कुछ दिन बाद ही दुकान जगह जाके जर्जर मकान है सामने, देखिए आप सब, अगर कायदिया से भूकंप की एक तो तीव्रता भी अगर आ गई तो साग गिर जाएगा, पूरा खोखला कर दीने माणिक चौक तक। देखिए ये नमामि गंगे योजना के तहत जो सीवर लाइन डाली जानी है 8 किलोमीटर उसी के अंतर्गत किया गया यह कार्य है,
यह सड़क पूरी तरीके से खोद के बनाई गई और बनाए जाने के बाद वापस धस गई है निम्न गुणवत्ता के कार्य होने के नाते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी रेस्टोर की गई सड़क, इस सड़क बनाई गई सड़क है जी, पूरी तरीके से नई सड़क का रेस्टोरेशन का पैसा पास हुआ था, सड़क रेस्टोर कर दी गई थी। सड़क के रेस्टोरेशन के बाद केवल मिट्टी का सही तरीके से कॉम्पैक्शन और मिट्टी की कॉम्पैक्शन डेंसिटी टेस्ट न होने के नाते इस सड़क की पूरी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं कि कॉम्पैक्शन न होने के नाते नीचे पूरा पोला है। और ये सड़क धीरे धीरे करते हुए आप पीछे देख सकते हैं, पीछे शाही किला है। शाही किला जनपद जौनपुर की पहचान है और ऐतिहासिक धरोहरों में से है। और उस मुगलकालीन ऐतिहासिक शाही किले जिसके आसपास 200 मीटर तक बिल्डिंगें बनाना भी जो है वो प्रतिबंधित है, वैसी जगह से मात्र 100 मीटर की दूरी पर नमामि गंगे द्वारा बिना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति लिए गए एक तो सड़क खोद दी गई, और सड़क खोदे जाने के बाद इतनी निम्न गुणवत्ता की सड़क बनाई गई है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवर लाइन लगभग 17 से 18 फीट नीचे जा कर के डाली गई थी। और उस 18 फीट नीचे की सड़क में कहीं सही से मिट्टी का कॉम्पैक्शन न होने के नाते सड़क धस रही है, जिसका सबसे ज्यादा प्रतिकूल योगी सरकारें दावा करती है कि वह जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। क्या जिले के अधिकारियों पे, जो जिले के ठेकेदार पे योगी सरकार का हंटर नहीं चल पा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की योगी जी की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से यह स्थानीय स्तर के और संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है, और यह बहुत गंभीर जांच का विषय है कि यह किन अधिकारी और किन प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में इस तरह का भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। अन्यथा जनपद जौनपुर में इस प्रकार से गंभीर रूप से नमामि गंगे योजना में जो विसंगतियां हैं, जिसके नाते ये अब तक लगभग ये 26वां ऐसा स्पॉट है जहाँ पर सड़क रिस्टोर होने के बाद धस चुकी है। इस रोड को ही आप शाही किले से मानिक चौक के बीच में अब तक लगभग 6 जगह पर सड़कें धस चुकी हैं, और जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से मात्र 50 मीटर आगे एक नया गड्ढा बनने के लिए तैयार सड़क धसना शुरू हो गई है। तो ये बेहद गंभीर जांच का विषय है। जिले के रिस्पॉन्सिबल अधिकारी लगातार मीटिंग करते हैं और ये दावा करते हैं कि उनकी देख रेख में सड़कें सही बनाई जा रही, लगातार मीटिंगें होती हैं। क्या इस मीटिंग में फाइनल नहीं हो पाता कि ठेकेदार सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है, आपको क्या लगता है? अब देखिए, मीटिंग में क्या फाइनल होता है क्या नहीं होता है ये उनका अपना खुद का विषय है, लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि वह मीटिंग केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित रह गई है। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसा आग्रह रहेगा कि इस तरह के सभी गंभीर भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजे जाने की प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अधिकारी जनपद जौनपुर की पहचान जो शाही किला है या जनपद जौनपुर की जो आम जनमानस है और माननीय प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे योजना जो है उसको पलीता लगाने का काम न कर पावे। देख सकते हैं किस तरह से सीवर पाइपलाइन डालने के नाम पर यह खोदी जाती है और फिर बनाई जाती है और फिर धस जाती है, और भी शहर के तमाम लोग यहां पे जुटे हुए हैं। क्या कोई दिक्कत होता है आप लोग को शहर को? बहुत दिक्कत होती है। अभी परसों रात में एक लोग गिर गया तो उनका टांग टूट गई। रात में इसी में गिर गए? हाँ, इसी में, परसों रात में। परसों रात में टांग टूट गया, उठा के लेके गए उसको। हाँ, अब उसके लिए क्या, बगल में मस्जिद मान लो दुकान है, गिर जाए क्या होगा उसका? कितनी दूर पे है देख लीजिए, आगे भी गड्ढा हो रहा है, कहीं भी आगे उधर भी गड्ढा हो रहा है। कहाँ कहाँ गड्ढा देखा आपने आगे में? देखिए, उसे इससे पहले 5-6 जगह गड्ढा हो चुका है, फिर से बनाया गया, अब आगे फिर हो रहा है। क्या जौनपुर को जाम से मुक्ति मिल सकती है? लोग कह रहे हैं जौनपुर तो जामपुर बन गया, ऐसी हालत रही तो क्या होगा जिले का? सर कुछ भी विकास नहीं होगा, कुछ विकास नहीं होगा। जौनपुर में तो विकास पुरुष बहुत हुए हैं लेकिन विकास नहीं हुआ। सर ऐसा विकास हो रहा है सामने, आपके सामने ऐसा विकास होगा? अंकल जी क्या लगता है, कितना बढ़िया काम हो रहा है कि हर 100 मीटर पे जौनपुर की सड़क धस जा रही है? अरे काम हुआ है, खाली मिट्टी जो है डाल के जो है चले गए, ऊपर से जो है डामर डाल दिए है, पूरा बैठ रहा है। आगे भी देखिए अभी बैठने वाला है, बैठ गया है रोड, सिपा में बैठा, चौक में बैठा, हर जगह तो बैठ ही रहा, काम तो कुछ होता नहीं। जो हुआ वो भी खराब हो गया सर। अच्छा? पूरा रोड ही खराब हो गया। हाँ। बाबू रात में इसी रास्ते से आती जाती हो? हाँ। अभी गिर जाओगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हाँ। अपनी रक्षा स्वयं करनी है। हाँ। है कि नहीं? नहीं, अरे हाँ। अपनी रक्षा स्वयं करनी है। देख सकते हैं कभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई आ रहा है और जा रहा है। क्या लगता है विकास हो रहा है जौनपुर में? विकास नहीं हो रहा है, देखिए कैसा रोड बना है यहाँ पे।
आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बाइक समझ लो इतना जाम रहता है, दोपहर में हम लोग जा नहीं पाते हैं कहीं पे, बहुत प्रॉब्लम है। इसके पहले वहाँ पे भी टूटा था, कितना मजबूरी, बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम। क्या क्या दिक्कत होता है? आने जाना पूरा जाम लग जाता है, हम लोग इधर से उधर नहीं जा पाते हैं। तो देख सकते हैं शहरवासी किस तरह से नाराज हैं कि यहाँ पर सीवर पाइपलाइन डाला गया, उसके बाद फिर सड़क बनाई गई, फिर हर 100 मीटर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि धस जाती है। जौनपुर में विकास पुरुष तो बहुत हुए, लेकिन विकास कितना हुआ है इसका अंदाज़ा आप इस गड्ढे से लगा सकते हैं, जो टूटी हुई सड़क से लगा सकते हैं, धसी हुई सड़क से लगा सकते हैं। आखिर ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगा? योगी का हंटर ऐसे अधिकारियों पर कब चलेगा जो इस तरह से कार्य करवाते हैं? योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन ऐसे ठेकेदारों पर, ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, एक बड़ा और अहम सवाल है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।